जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, बुढ़ापा पेंशन जून से बड़ा बदलाव हो जाएगा। सिर्फ इनकी कटे की बुढ़ापा पेंशन, नया सिस्टम लागू किया गया है। बुढ़ापा विधवा पेंशन विकलांग को लेकर के सबसे बड़ा अपडेट आया है। वही बात करते हैं कि बुढ़ापा पेंशन को लेकर के हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि जिन बुजुर्गों की सालाना आय 3.5 लाख रुपए से अधिक है, केवल उनकी पेंशन रोकी गई है, इससे नीचे वालों की नहीं। 3.5 लाख आय वालों में भी केवल उन्हीं की पेंशन रोकी है जिन्होंने परिवार पहचान पत्र PPP में अपने हस्ताक्षर करके अपनी आय घोषित की है। अगर किसी बुजुर्ग को ये लगता है कि रिकॉर्ड में उसकी आय अधिक दिखाई गई है तो वे दस्तावेजों के साथ इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। सरकार ने परिवार पहचान पत्रों में गलतियां सुधारने का मौका भी दिया है, जिसके बाद जो गलती सुधारी जाएगी उसे वेरीफाई कराया जाएगा। सरकार ने विधिवत रूप से पेंशन की पात्रता के लिए सालाना आय दायरा बढ़ा रही है। लिमिट कितनी होगी दूसरी बढ़ोतरी में, वो कैबिनेट की मीटिंग में होगी। सालाना 2 लाख आय वाले पेंशन भी बंद कर रही है। अब तक करीब 28,000 लोगों की पेंशन रोकी गई है। इसके जवाब में सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बताया है कि अब PPP में संशोधन का सरकार ने विकल्प लिया है। तो दोस्तों, जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को तब तक देखें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।